हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे डिवोल्यूशन के अंदर सेक्शन 107 को। जो सेक्शन 107 है वो डील करता है बीक्वेस्ट से रिलेटेड, मतलब वसीयत से रिलेटेड। तो इसमें हम देखेंगे इस सेक्शन के अंदर के क्या एक भूमिधर, चाहे वो ट्रांसफरेबल विद ट्रांसफरेबल राइट हो या फिर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट हो, मतलब कि संक्रमण भूमिधर हो या असंक्रमण भूमिधर हो या असामी हो, क्या वो अपनी लैंड को, अपनी जमीन को विल के जरिए, वसीयत के जरिए किसी दूसरे पर्सन को दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 107 का जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट है, मतलब संक्रमण भूमिधर अपनी जमीन को, अपनी लैंड को विल के जरिए जो है किसी पर्सन को दे सकता है। इसी का सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 कहता है कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कुछ पाबंदियां लगाता है। वो पाबंदियां जो कि हमने सेक्शन 98 और सेक्शन 99 के अंदर पढ़ी थी। सेक्शन 98 और सेक्शन 99 में क्या पढ़ा था, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि सेक्शन 98 सेक्शन 99 जो थे ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड थे, कि उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है। सेक्शन 2 यही बताता है कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, जो संक्रमण भूमिधर है, अगर वो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो उस पर सेक्शन 98 और सेक्शन 99 अप्लाई होंगे और उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो सारी रिस्ट्रिक्शन उस पर लगेगी। कहने का सीधा सा मतलब इतना है कि अगर जो भूमिधर, जो संक्रमण भूमिधर है, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको विल वो तभी कर सकता है, उससे पहले उसको जो है विल करने से पहले कलेक्टर से रिटिन में परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर दूसरे की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, तो शेड्यूल ट्राइब पर्सन अगर जो भूमि संक्रमण भूमिधर है वो शेड्यूल कास्ट, वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, वो सिर्फ उसी पर्सन को, मतलब कि विल के जरिए दे सकता है जमीन को जो पर्सन शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। पर अगर शेड्यूल ट्राइब के अलावा अगर वो पर्सन किसी और उससे कास्ट से बिलोंग करता है या और किसी उससे बिलोंग करता है तो उस केस में जो शेड्यूल ट्राइब वाला पर्सन है, संक्रमण भूमिधर है, वो अपनी जमीन को विल के जरिए उस पर्सन को नहीं दे सकता है। सेक्शन का जो सबसेक्शन 3 है वो कहता है कि अगर कोई भी विल इस सेक्शन के अंदर बनाई जा रही है तो किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी कस्टम या कुछ ऐसा होते हुए, यूजेस कुछ भी होते हुए भी, वो विल जो है कम से कम एटलीस्ट 2 विटनेस के द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए और वो विल जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर किसी लॉ के अंदर या कोई भी कस्टम ऐसे हैं कि जहां पर विल को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, विटनेस की जरूरत नहीं है, तो अगर इस सेक्शन के अंदर आप जो है विल बना रहे हैं तो जरूरी है, चाहे उसके अंदर कुछ भी दे रखा हो दूसरे लॉ के अंदर, चाहे कुछ भी कस्टम हो उस एरिया के, उस जगह के, पर आपको वो विल जो है कम से कम 2 मतलब विटनेस के द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए और वो रजिस्टर कराई जाएगी वो विल। अब इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 4 बात करता है असंक्रमण भूमिधर के बारे में, मतलब कि भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट और साथ में असामी के बारे में। तो ये कह रहा है, ये सबसेक्शन 4 कहता है असंक्रमण भूमिधर जो है और या असामी जो है अपनी जमीन को विल के जरिए नहीं दे सकता, तो वो बीक्वेस्ट नहीं कर सकता अपने इंटरेस्ट को विल के द्वारा। और इसका सबसेक्शन 5 जो कि लास्ट सबसेक्शन है वो कहता है कि अगर कोई भी बीक्वेस्ट जो है, कोई भी वसीयत जो है, जो इस सेक्शन के अंदर जो प्रोविजन अभी हमने ऊपर पढ़े हैं उनके अगेंस्ट होती है, अगर उनका उल्लंघन करती है तो वो बीक्वेस्ट, ऐसी वसीयत जो है वो वॉइड मानी जाएगी, वो वसीयत जो है शून्य होगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही और डिवोल्यूशन से रिलेटेड जो और सेक्शन है वो हम दूसरी वीडियोज में कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है।